कर्कमिव बन्धनान् मृत्योर् मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सहवीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। ॐ सतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। लगभग 5 सेकंड में श्वास लेना और लगभग 5 सेकंड में ही श्वास को छोड़ना। लेने और छोड़ने में एक रिदम, एक लय है। और मैं बार बार आपको संकेत करता हूं कि ध्यान पूर्वक करो। योग के जो मूल सिद्धांत है, मूल मर्यादाएं हैं, योग के जो मूल साधन है, योग का जो बेसिक प्रोटोकॉल है, उसको पूरा फॉलो करना है। योग प्रारंभ होता है एकाग्रता से, क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम निरुद्धम इति चित्त भूमया। क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त निरुद्ध, ये चित्त की 5 अवस्थाएं। क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त चित्त में योग नहीं होता, एकाग्र चित्त होकर के हम निरुद्ध चित्त में प्रतिष्ठित हो जाएं, ये योग की प्रक्रिया है। एकाग्र चित्त होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के, भगवान के साथ पूरी एकात्मता, कंप्लीट अटैचमेंट विद गुरु, विद गॉड, विद ऑलमाइटी, भगवान के साथ पूर्ण आसक्ति, पूर्ण समर्पण, पूर्ण शरणागति। और जो भगवान माने इस जीवन और जगत का परम सत्य, जो हमें आत्मा से, परमात्मा से, जीवन के परम सत्य से जो हमें दूर हटाते, उनको हटा देना, कंप्लीट डिटैचमेंट, इसी को कहते हैं अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन्निरोधः। तदादृष्टुः स्वरूप्यवस्थानम्, अपने स्वरूप में जीना, स्वभाव से, बाय नेचर वी आर कंप्लीट एंड अल्टीमेट डिवाइन सोल इन अवर सेल्फ, अपने स्वरूप में, अपनी निजता में, अपने भीतर की दिव्यता पूर्णता में जीना। अपने स्वरूप में जीना, मुक्ति ही हमारा स्वरूप है। रोग होने के बाद भी अपने आप को रोगी नहीं मानना, रोगी आपका स्वभाव नहीं है, ये तो आने जाने वाली बात है, आया है रोग चला जाएगा। रोग हमारा स्वभाव नहीं है, दुख हमारा स्वभाव नहीं है, दरिद्रता हमारा स्वभाव नहीं है, सब प्रकार की पूर्णता, अप्रतिम, अनिर्वचनीय, अलौकिक, अनलिमिटेड नॉलेज, इमोशंस, स्ट्रेंथ, विजडम, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, सब कुछ भगवान ने हमको दिया हुआ है। तो फिर अपनी पूर्णता में जीना, धारणा, ध्यान, समाधि, संयम पूर्वक प्राणायाम, योगाभ्यास करना, मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक जो रोगग्रस्त शरीर का अंग है, प्रत्यंग है, वहां पर मन को केंद्रित करके वहां एक दिव्य ऊर्जा से मैं आप्लावित हो रहा हूं। संकल्प समाधि, संकल्प सिद्धि, मैंने बार बार इसके लिए शब्द प्रयोग किया है। और मध्यम गति से करना, ये सब कर सकते हैं जब पूरी तरह से पहलवान है, बलवान है, इफ यू आर कंप्लीटली यंग एनर्जेटिक।
So you can do this forcefully like this. जैसा जिसका सामर्थ्य, अपना सर्वस्व न्योछावर करके प्राणार्पण से किसी कार्य को किया जाता है। ये योग कराते कराते योग और कर्मयोग के जीवन के मर्म निचोड़ सत्य पूरे जीवन को मैं यहां से अभिव्यक्ति देता हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली डिजीज, आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रुथ ऑफ लाइफ, जीवन का सत्य क्या है। एंड दो तरह की जीवन के सत्य हैं, एक जीवन का सामान्य सत्य है, वन इज मैटेरियलिस्टिक ट्रुथ एंड अनदर इज इटर्नल ट्रुथ। एक है जीवन का व्यवहारिक सत्य, भौतिक सत्य, सामान्य सत्य, और दूसरा है जीवन का परम सत्य, अंतिम शाश्वत नित्य सत्य। और दोनों में बैलेंस बनाना यही योग है, समत्वम योग उच्यते, यही कुशलता। दिस इज अल्टीमेट स्किल ऑफ लाइफ, योग कर्म सुकौशलम। फिर सारे रोग सारे दुख खत्म हो जाते, योगो भवते दुखा योगो ही प्रभाव आप। ऐसे 5 मिनट लगातार करना है, 5 मिनट लगातार। तो फिर अभी तो मैं तो क्योंकि दौड़ के आया हूँ इसलिए पसीना आ रहा है, आपको भी ये करते करते पसीना चूने लगे। ऐसे पूरी ताकत लगा के एक वाक्य मेरे साथ बोलेंगे आप भूल जाते हैं, इसलिए बार बार याद दिलाता हूँ। बोलो, ज्ञान व श्रद्धा युक्त पुरुषार्थ की पराकाष्ठा का सातत्य ही स्वास्थ्य सुख समृद्धि सफलता विजय और जीवन का मूल मंत्र है, मूल सत्य है। तो देखो करते रहो, ज्ञान और श्रद्धा युक्त पुरुषार्थ की पराकाष्ठा का सातत्य से आपको स्वास्थ्य मिलेगा, सुख मिलेगा, सफलता मिलेगी, विजय मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी, आनंद मिलेगा। और ये मैंने पाया है, मैं कभी भी खाली दार्शनिक बातें नहीं करता हूँ। ऐसा दर्शन जिसको आप एक्सपीरियंस ना कर सकें, क्योंकि पारमार्थिक सत्य बहुत ऐसे जीवन के जो अदृष्ट के बारे में कहते हैं, वो जिन्होंने कहा है उनकी वो जाने कि वो कितना सच है और कितना झूठ है। लेकिन मैं तो जीवन के व्यवहार की बात करता हूँ जो सब कोई अनुभव कर सके, एक्सपीरियंस की आनुभूतिक सत्य की बात करता हूँ। करो, एक शब्द बोले तो जीवन में पुरुषार्थ, दो शब्द बोले तो पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, तीन शब्द बोल दे तो पुरुषार्थ की पराकाष्ठा का सातत्य, 5 शब्द बोले तो ज्ञान श्रद्धा युक्त पुरुषार्थ की पराकाष्ठा का सातत्य। इसमें सब कुछ आ गया, बताओ 5 शब्दों में जीवन का सब कुछ आ गया। जिसने ऐसे जीवन को समझा है, फिर उसके जीवन में कोई समस्या ही नहीं रहेगी। 5 मिनट ऐसे करना है वास्तविका। अब व्यक्ति जो है ना 5 बार करता है,
और फिर रुक जाता है, ये ठीक नहीं है। और मैं योग के बारे में क्या बात कर रहा हूं, जीवन के जितने भी पहलू है, दे आर अनलिमिटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, अनंत पहलू हैं जीवन के, लेकिन सत्य सबका एक ही है। क्या तुम अपने प्रोफेशन में, अपने अलग अलग प्रैक्टिसेस में, खेती में, बिजनेस में, व्यापार में, राजनीति में, धर्म में, अध्यात्म में, घर में, परिवार में, आप जब पुरुषार्थ की पराकाष्ठा में जब जीते हो तभी कुछ हासिल करते हो, उससे नीचे कुछ नहीं है जीवन में। अब यूं जिसको जीवन दिया है विधाता ने, उसको दाना पानी में तो मिल ही जाता है, खाने पीने को तो चींटी जो कण भर, हाथी जो मन भर खाता है, सबको मिलता है ना। तो भस्त्रिका 5 मिनट किया, फिर कपाल भाति ऐसे ही करो, पूरे लयबद्ध हो करके। देखो करो, जीवन का अंतिम सत्य एक शब्द में बोले कर्म है। कर्म को और व्यापक रूप से बोले तो पुरुषार्थ है। कर्म को कुछ लोग करना मात्र मान लेते, करना मात्र नहीं होता है कभी भी, ज्ञान पूर्वक करना, श्रद्धा पूर्वक करना, उस करने में कोई कसर नहीं छोड़ना, सर्वात्मना करना, कपाल भाते ऐसे लय के साथ करो। और जिन्होंने ऐसे किया है उन्होंने यही योगग्राम में, निरामयम में, यही मेरे सामने बहुत कुछ पाया है। फिर एक दूसरे से पूछते रहते, खुसर पुसर चलती रहती, अच्छा तेरे को इतना लाभ कैसे हो गया, हमको तो इतना नहीं हुआ, तेरे को कोई विशेष आशीर्वाद दे दिया स्वामी जी ने, तेरे को कोई विशेष दवाई दे दी। अब कल मेरे पास एक भाई आया, जैसे मैं हर रोज 5-10 लोगों की यहाँ पर चर्चा कर लेता हूँ, तो मेरे से बोला, बाबा जी मेरा एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस का दर्द तो करीब 90% ठीक हो गया, और कल तो देखा ही था आपने अनुभव जैन का, कौन से वो इंजेक्शन लगाते हैं 25-25, 50-50 हज़ार के, 1-1.5-1.5 लाख के इंजेक्शन लग जाते थे, अप्रैल से बंद कर दिया। और अपना प्रॉब्लम करीब 90% सोल्व कर लिया है, और मान्यताएं झूठी मान्यताएं, झूठे डॉक्टर, झूठी रिसर्चें, झूठी दवाइयां, जिसको कल वो खुद ही कह रहा था बालक कि स्वामी जी आप ठीक कहते हो, मेडिकल माफिया, दवा माफिया, अब जो है मैं एक दिन, अभी कुछ दिन पहले की बात, तो ट्रैवल कर रहा था तो एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट का फोन आया तो बोले स्वामी जी आप आशीर्वाद लिख दो मेरी बुक में। मैंने कहा क्या है बुक का नाम, बोले बुक का नाम है आर्थिक माफिया। मैंने कहा पहले ही मेरी बहुत लड़ाई हो रखी है, और क्यों लड़ाई करवाता है। बहुत तरह के माफिया लोग काम कर रहे हैं, धार्मिक माफिया भी हैं, गुरुओं के नाम पर, धर्म के नाम पर, तंत्र मंत्र यंत्र के नाम पर, कितनी ठगी करते रे राम। कपाल भाती लय के साथ करो, संकल्प पूर्वक करो, विराम नहीं, विश्राम नहीं, रुकना नहीं है किसी को भी, लय के साथ करना। आंखें सहज, चेहरा सहज, और एक अनुष्ठान की तरह लगे हुए हैं बस, और सामान्य मध्यम गति से सब करना, एक्सेप्शन के तौर पर तीव्र गति से करने के लिए खाली उन्हीं को मैंने कहा हुआ है, जो बच्चे हैं, जो जवान हैं, जिनमें अप्रतिम बल है, जिसे कहते हैं ना स्वामी जी इतनी ताकत है, बस लगता है कि सब कुछ प्रलय कर दो, ऐसे प्रलयंकारी जिनमें शक्ति है, उनकी ऊर्जा को राइट डायरेक्शन में लगाने के लिए
ये कपाल बात। तो मैं कह रहा था तो एक एक बीमारी के बारे में, अभी मोटापा के बारे में लेता हूं, और भी बात करेंगे। मोटापा में यहां रोज का एक एक किलो का एवरेज वाले भी हैं, आधा किलो का एवरेज वाले भी हैं। अब डबल का अंतर हो गया ना, उसको प्रतिशत में देखेंगे तो। जिनका रोज का एक एक किलो कम हो रहा है वो कितने लोग हैं? रोज का एक एक किलो, एक एक किलो कम हो रहा है, हाथ तो उठा लो जरा ठीक से। एक एक किलो कम हो रहा है जिनका, एक एक किलो कम वाले भी हैं, और आधा आधा किलो में तो सभी, उनमें से तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। आधा आधा किलो, कुछ ने तो थोड़ा सा लंबा समय लगाया है तो 40-45 किलो भी कम कर लिया है। खाली वेट की बात नहीं, कोई एक रोग विशेष की बात नहीं, योग पूरी तरह से हमारा शुद्धिकरण कर देता है, शुद्धिकरण और सशक्तिकरण। देखो दो तरह के तत्व हैं, एक रोग निवारक तत्व, एक योग कारक तत्व। एक रोग बढ़ाने वाली चीजें हैं, एक रोग मिटाने वाली। तो योग सर्व रोग निवारक तत्व है, ये खाली एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं है, सिस्टेमिक ट्रीटमेंट है। पूरे सिस्टम को अच्छा करता है। तो लय के साथ लगातार करते रहे और अंतर्मुखी होकर एकाग्र चित्त होकर के जिसको जो रोग विशेष है अपने रोग विशेष की निवृत्ति के संकल्प के साथ करना, कि मूलाधार से सस्रार तक जिसको जो व्याधि है, जो रोग है, जो विकार है, जो शरीर में दर्द है, पीड़ा है, दुख है, तकलीफ है, वो मेरा रोग, मेरा विकार, मेरा दोष दूर हो रहा है, इस संकल्प के साथ करो। तो ऐसे लयबद्ध हो करके, एकाग्र चित्त हो करके, प्रसन्न चित्त हो करके, जीवन मुक्त हो करके, ये तीन सत्य भी मैंने आपको कहे हुए हैं। एक है जीवन मुक्ति, मुक्त रहना किससे? अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, सब प्रकार के दुर्विचारों से, दुर्भावनाओं से, दुर्गुणों से, दोषों से, दुर्बलताओं से। ऐसे तत्व, ऐसे एलिमेंट्स जो आपको और अपने परिजनों को, परिवार को, समाज को, इस पूरे अस्तित्व को किसी भी प्रकार से आपके आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव से, आपके किसी भी चेष्टा से आपको, स्वयं को या समष्टि को कोई भी दुख होता है जिससे, वो कर्म नहीं करना। बस यही ना करना, ये मुक्ति है। इसलिए पहले मुक्ति की बात की जाती है। विश्वान देव सवितर दुरितानि परास्व, पहले बुरी चीजों से मुक्त होना पड़ेगा तो ही सत्य घटित होगा, तो ही परमानंद घटित होगा जीवन में, परम सुख, परम शांति घटित होगी जीवन में। तो जीवन मुक्ति का अर्थ है बुरी चीजों से छूट जाना, और जब बुरी चीजों से छूटोगे, अज्ञान से छूटोगे तो ज्ञान तो घटित होगा ही ना, अश्रद्धा से छूटोगे तो श्रद्धा, समर्पण, भक्ति, प्रीति घटित होगी ना, अकर्मण्यता से छूटोगे, प्रमाद से छूटोगे तो पुरुषार्थ घटित होगा ना,
बुरे आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव से मुक्त हो गए तो अच्छा आहार अच्छा विचार अच्छी वाणी अच्छा व्यवहार अच्छा स्वभाव अच्छा चरित्र होगा ही ना होगा, इसमें क्या प्रश्न है। जब अंधेरा नहीं है इसका मतलब उजाला है ही ना, इसमें क्या प्रश्न है, इसमें कौन सी शंका है, कौन सा कन्फ्यूजन है। तो ये है जीवन मुक्त होकर के जीना। तो जीवन मुक्त होकर के जीना है तो योग का एक सत्य जीवन मुक्ति, गुरु जीवन मुक्ति कराते, दूसरा सत्य है गुरु प्रभु दर्शन कराते हैं, अपने शरीर के एक एक कोशिका से लेकर के इस पूरे अस्तित्व में उसी भगवान की मूर्त अभिव्यक्ति को, योवाम पश्यति सर्वत्र सर्वम चमय पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सचमय न प्रणश्यति वासुदेवः सर्वम ईशावास्यमिदं सर्वम हरि व्यापक सर्वत्र समान। लय के साथ ऐसे करते रहे, करते 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 पूरे अंतर्मुखी हो गए और सब जगह एक ही ब्रह्म की महिमा को, एको वशी सर्वभूतंतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति तमात्मस्थम अनुपश्यन्ति धीराः तेषां सुखम शाश्वतम नैतरेषां यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मभूत विजानता तत्र को मोह का शोक एकत्वम अनुपश्यते यत्र विश्वं भवत्येक नीडम। एक ही ब्रह्म का सर्वत्र दर्शन, भगवान का दर्शन, और वो हर कर्म उनका फिर भगवान की पूजा बन जाता है। यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम इदं ततम स्वकर्मणात्म अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। चलो लय के साथ करते रहो, ऐसे आधा आधा एक एक घंटा करना, और कैसे करना, ध्यान पूर्वक करना, मूलाधार से सहस्रार्थक चक्र विशेष में ध्यान, रोग ग्रस्त अंग उसमें ध्यान, फिर एकोप्रेशर के साथ करना, ऐसे करना, संकल्प पूर्वक करना। देखो करना तो है लेकिन करना मात्र करना नहीं है, करना पूरे विधि विधान से ऐसे है। तो जिनको जो रोग है डायबिटीज है तो बाएं हाथ में यहाँ दबाते हुए करना, ऐसे संकल्प के साथ करना, संकल्प समाधि। तो कर्म चल रहा है, कर्म ही धर्म है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही योग है, कर्म ही से सब कुछ होता है। तो कर्म की कुशलता, कर्म की दिव्यता, यही योग है। करते रहो, जो जिसको प्रॉब्लम है अपने अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ये पॉइंट भी दबाते रहो और फिर करो, फिर देखो सब कुछ करते 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 वो प्राप्त हो जाता है। तो जिनको जो समस्या है और कोई समस्या नहीं है तो एक बार सारे पॉइंट दबा लो, और जहाँ ज़्यादा दुख है वहाँ ज़्यादा दबाओ, जहाँ ज़्यादा दुख है इसका मतलब वहाँ ज़्यादा गड़बड़ी है। किसी को आँख का पॉइंट दुखे ना तो इसका मतलब आँख कमजोर होनी शुरू हो गई है। जिनको चश्मा है, कैटरेक ग्लूकोमा है, और आँखों की रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, कलर विजन डबल विजन है, आईसाइट वीक है, नंबर है, या दर्द हो रहा है तो इसका मतलब नंबर आने वाला है, थोड़ा दबा लो। ये 5 ईयर्स एडवांस में डायग्नोसिस कर देता है। मैंने कई बार इस बात को कहा, आज फिर से दोहरा रहा हूँ, 80% एवरेज आउट करते हैं, 80% रोग ग्रस्त हो जाता है जब शरीर का कोई भी अंग, तब मशीनों में रिफ्लेक्ट होता है कि ये बीमारी है। 80% जब तुम्हारा फेफड़ा काम करना बंद कर देता है ना तब तुम्हें सांस में दिक्कत होने लगती है, 80% जब किडनी काम करने बंद कर देती है तब वो क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता है, 80% जब जो है हार्ट में ब्लॉकेज आ जाती है तब एंजाइना पेन होना शुरू होता है, क्योंकि कुछ गड़बड़ हो रही है, तब जाके आदमी चेक करा तो बोले तो 99% ब्लॉकेज मिले। 80% जब लीवर ने काम करना बंद कर दिया, पता लगा तो फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस हो चुका था, पता ही नहीं लगा।
सबसे ज्यादा सहन शक्ति किसकी, लोग कहते हैं धरती की सहन शक्ति ऐसी, माँ की सहन शक्ति ऐसी, पिता की सहन शक्ति ऐसी, गुरु का धैर्य ऐसा, सहन शक्ति ऐसी। सबसे ज्यादा सहनशील कोई हमारे सबसे नजदीक सत्य है तो हमारा शरीर सबसे ज्यादा सहन करता है, और सुबह से शाम तक इस पर सबसे ज्यादा अत्याचार करते हैं हम, जो चाहे वही ठाल देते हैं, कूड़ेदान की तरह इसमें कचरा डाला, गधा डाला, घोड़ा डाला, कुत्ता डाला, मुर्गा डाला, छिपकली डाली। एक तो एक रोगी आ गया था यहाँ, बोले मेरे को किसी ने बताया काकरोच का सूप बना के पी जा, मैंने वही पी गया। वे बावड़े काकरोच का सूप पी गया। बोले किसी ने बोला तेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, क्या बीमारी थी पता नहीं उसको, काकरोच का सूप पी गया। आदमी क्या क्या खाता है, शरीर के साथ ऐसे व्यवहार करना चाहिए जैसे आंख के साथ करते हैं। आंख में मिर्ची डाल सकते हो? आंख दिमाग, इसमें कोई भी खराब चीज डालोगे ना, आंख आत दिमाग, तुरंत उपद्रव होता है, उपद्रव। लेकिन वो उपद्रव इतना सहन करता है ना शरीर, तुम इसकी सहनशीलता को अपनी ताकत मान लेते हो, मैं इतना ताकतवर हूं। तू ताकतवर कहीं नहीं है, तेरी औकात क्या है, तेरे को भगवान ने सब मुफ्त में दे रखा है। जिस दिन रिपेयर कराने जाएगा तब पता लगेगा इसकी वैल्यू कितनी है। मैं कहता हूं कई बार भगवान ने सबको सब कुछ दे रखा है। ये सारा एक्यूप्रेशर के साथ कर लो। कोई आदमी जब मुझे कहता है ना मैं गरीब हूं, मुझे बहुत उसके ऊपर दया सी आती है कि भगवान ने तेरे को कम से कम 500 करोड़ का तो शरीर दे रखा है। कितने करोड़ का? तो हर आदमी जन्म से ही करोड़पति है, 500 करोड़ का शरीर है, लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसका उसका तो वैल्यूएशन किया ही नहीं है आजकल ना। ये आज हमारे बैंकिंग के बहुत से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, दास साहब आए हुए हैं, अभी आजाद साहब भी आने वाले हैं, एक दो बड़े बैंकों के ईडी आए हुए हैं। मेरा सभी के साथ बड़ा प्रेम रहता है, ईडी हो, एमडी हो, तो मैं और बाकी जो शेयर मार्केट में जो मार्केट कैप मापते हैं ना, तो इवेल्युएट करते हैं इस कंपनी की वैल्यू कितनी, अलग अलग कंपनियों के जो है एक फॉर्मेट बना हुआ है कि इसकी वैल्यू इतनी, इस ब्रांड की वैल्यू इतनी। जैसे आजकल पतंजलि और पतंजलि में जब से रुचि सोया का मर्जर हुआ है तो बोलो भाई दोनों की मिलाकर के वैल्यू कितनी, तो जो कम से कम भी आंकते हैं तो बोलो कम से कम 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू है। ये वैल्यू किसने क्रिएट की, ये जो वैल्यू है ये किसने क्रिएट की? पतंजलि नया ब्रांड बनाया और एक जो है दिवालिया हुई कंपनी हमने उसको एक्विजिशन किया एनपीए कंपनी का, तो ये वैल्यू बनाई किसने? ये वैल्यू बनाई स्वामी रामदेव ने, तो स्वामी रामदेव की वैल्यू कितनी होगी? जिस स्वामी रामदेव ने, आचार्य भाष्य ने ये पतंजलि ब्रांड खड़ा किया, रुचि सोया का एक्विजिशन किया, उसको एक सही राइट डायरेक्शन में उसको लेके गया, जिस स्वामी रामदेव ने ये 1.5-2 लाख करोड़ की वैल्यू क्रिएट कर दी, और मैं ऐसे ही लगा रहा तो आने वाले 10-20 सालों में कम से कम इसकी 5-10 लाख करोड़ वैल्यू हो जाएगी, तो मेरी वैल्यू कितनी होगी ये बताओ। तो ये आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मी माई सेल्फ, मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ये तुम सब ऐसे ही हो, यू कैन क्रिएट एवरीथिंग। मैं खाली एंटरप्रेन्योरशिप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बिजनेस की बात नहीं करता हूं, मैं योग की के साथ उद्योग की बात नहीं करता हूं, ये उद्योग तो उसका बाय प्रोडक्ट है। क्या बात की मैंने, तुम्हारी वैल्यू कितनी है? लाखों करोड़ कितनी है? कुछ तो बोल भी नहीं रहे, कुछ ले थोड़ी रहा हूं तुमसे, कितनी है? लाखों करोड़। बोला स्वामी जी आपने तो सुबह सुबह हमारी आंखें खोल दी, लाखों करोड़ हमारी वैल्यू, हम तो अपने आप को ऐसे माने बैठे थे बेरोजगार लाचार। जब मेरे सामने कोई आदमी आता है, स्वामी जी बेरोजगार हूं लाचार हूं,
अरे साधु तो खुद बेरोजगार हुआ करते थे भिक्षाम देही। और सच्ची मैं जब गुरुकुल में आया तो मैंने 40 बच्चों की भिक्षा मांगी हुई है। कितनों की? 40 बच्चों की भिक्षा अपने हाथ से मांगी हुई है। 40 बच्चों को खिलाता था और अभी भी खिला ही रहा हूं, अभी भी भिक्षा ही मांग रहा हूं। उस समय 40 बच्चों को खिलाता था जब मुझे बालक समझते थे लोग, लेकिन उस समय भी मेरे भीतर संकल्प उतना ही बड़ा था, कोई संकल्प की न्यूनता नहीं थी। तो सुनो, उस समय 40 बच्चों का को खाना खिलाता था, आजकल तो 40 लाख नहीं, 40 करोड़ से ज्यादा लोग मुझे देख करके अपनी सुबह की शुरुआत करते भारत में। स्वामी जी यू आर द इंस्पिरेशन, ये तुम्हें ये बेटियां माताएं बहने बोलती रहती हैं, बोलते स्वामी जी आई लव यू। मैंने कहा और? फिर मैंने कहा ये क्या? बोले फ्लाइंग किस। मैंने कहा ये नया मामला आ गया। स्वामी जी आप सन्यासी हैं ना, इसलिए आपको फ्लाइंग किस करते हैं, नहीं तो पकड़ करके ही रगड़ देते। चलो एक बार जोर से हंस लो। कुछ तो सुबह सुबह ऐसे मुंह लटकाए बैठे रहते हैं, तो मैं बीच बीच में तुम्हें थोड़ा खुश कर देता हूं। अच्छा कुछ की तो ना स्टार्ट ही नहीं होते, उनको हंसने के लिए भी बोलो ना तो उनको ऐसा लगता है ये क्या कार्यक्रम शुरू हो गया सुबह सुबह। चलो मैंने इसलिए हंसाया, कुछ अभी सोने की तैयारी में थे, थोड़ी देर कपाल भाती करते ना और उनको कुछ बीच बीच में मैं ना हंसाऊं, कुछ कहते स्वामी जी इतनी गंभीर बातें करते करते आप बीच में हंसा क्यों देते हो। मैंने कहा कुछ लोग कपाल भाती करते करते सो जाते हैं। सच्ची बोलता, अरे दूसरों को तो क्या, कभी कभी तो मैं ही सो जाता। क्योंकि कपाल भाती करते करते निर्विकार हो जाते। क्या हो जाते बोलो? निर्विकार, निर्विचार, निर्भार हो जाते। क्या हो जाते? निर्भार, बोझ रहित हो जाते, कोई बोझ ही नहीं रहता। तो करते करते और 10-15 मिनट ऐसे करो कपाल भाती, 10-15 मिनट अनुलोम विलोम। मैंने तो अपनी बात बता दी, तुम सच्ची सी ईमानदारी से बताओ लंबा प्राणायाम करने के बाद कितनों को नींद आती है? हाथ उठाओ। ये तो बहुत से सोकड़ है, बहुत से सोते 30-40% और आती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो हार्मोन्स जो नींद के लिए जिम्मेदार हैं, वो केमिकल्स, वो सॉल्ट्स, वो एंजाइम्स, वो सारे अपने आप प्राणायाम से पैदा होते हैं। ये कोई, ये साइंटिफिक बात है। और जो दुख देने वाले, नींद भगाने वाले हैं, प्रोलैक्टिन, कॉर्टिसोल, एसिटी, एड्रेनल, वो कम हो जाते हैं। एंडोर्फिन, एनकैफेरिन, सेरोटोनिन, डोपामाइन, अच्छे हार्मोन्स, नींद देने वाले हार्मोन्स। करो अनुलोम विलोम करो। मेलाटोनिन नींद देने वाला हार्मोन क्या है बोलो? मेलाटोनिन, मेलाटोनिन जो भी बोलते हैं, वो बढ़ जाता है प्राणायाम से, अपने आप नींद आती है। जिसको नींद नहीं आती, मैंने बोले स्वामी जी नींद नहीं आती क्या करें? मैंने कहा अनुलोम विलोम करो। बोले जी अनुलोम विलोम करने की फुर्सत नहीं। मैंने कहा सोता है नहीं, नींद आती नहीं, फुर्सत नहीं, बता रहे बताओ कितनी बावड़ी बातें करते हैं। अनुलोम विलोम कर लो, अपने आप नींद आ जाएगी, मेलाटोनिन बढ़ जाएगा। लंबा सांस लो, लंबा छोड़ो। अपने शरीर, अपने इंद्रियों, अपने मन पर कार्य करो। तुम्हें एक्यूप्रेशर बताते बताते बोल रहा था, 80% जब तुम्हारा शरीर करोड़ों बार अत्याचार सहता है, ये तो 80% की बात कही, करोड़ों बार तुम भूल करते हो, गलती पर गलती करते हो, तो भी शरीर सहता है। और जब बिल्कुल ही टूट जाता है ना, तब कहता है अब मैं काम नहीं कर सकता,
सबसे ज्यादा वफादार दुनिया में। बोले भाई कौन किसके लिए वफादार है? देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, घर परिवार के लिए, वफादारों से ही दुनिया चलती है। जो जो है अनुलोम विलोम करो, अपना शरीर, अपना लीवर, अपनी किडनी, अपना ब्रेन, ये सबसे ज्यादा अपना वफादार है। और जिसने इसके ऊपर नियंत्रण पा लिया वही योगी है, वही सच्चा इंसान है, वही ताकतवर इंसान है। और जिसका अपने शरीर, इंद्रियों पर, मन पर कंट्रोल नहीं है, वो आजाद व्यक्ति नहीं है। वो क्या है? वो गुलाम है। सबको आजादी चाहिए, आजाद होकर के जीना है। मेरे से तो बोलते हैं, बच्चे भी बोलते हैं, बोल बाबा जी मैं बड़े आजाद ख्यालों का, मैं बड़ी आजाद ख्यालों की है। क्यों? लेकिन ये घर वाले मुझे पसंद नहीं करते, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे ख्यालों का हूँ, ख्यालों की। भाई आजाद ख्यालों का मतलब शरीर, इंद्रियों और मन की गुलामी में जीने वाले नहीं, मन के बहकाओं में जीने वाले नहीं। जो बहक गया, जो बह गया, वो बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। भाई चलो अनुलोम विलोम पूरा करो, लगातार करो, और इस सत्य को समझ करके कितों में भगवान ने अप्रतिम शक्ति सामर्थ्य दिया हुआ, उसको जागृत करो। हाँ, रुकना नहीं है, लय के साथ करना, लय के साथ करते करते तो तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है तुम्हारा शरीर। तो मेरी बहुत जबरदस्त फ्रेंडशिप है अपनी बॉडी के साथ, अपने ब्रेन के साथ, अपने डिवाइन थॉट्स के साथ, डिवाइन इमोशंस के साथ, अपनी डिवाइन ऊर्जा के साथ। ये जो कुछ पतंजलि में हुआ, पतंजलि योगपीठ है, पतंजलि योगपीठ फेज वन फेज टू है, आचार्य कुलम है, पतंजलि गुरुकुलम है, पतंजलि विश्वविद्यालय है, करो अनुलोम विलोम करते रहो। ये जो कुछ आप सृजन देखते हो यहां, मैं यदि अपनी ऊर्जा को इस डायरेक्शन में ना लगाता तो कोई ना कोई बहुत बड़ा कोई बहुत बड़ी खुरापात इस धरती पर हो जाती। देखो अनुलोम विलोम करते रहो। कुछ कहते हैं स्वामी जी आप इतना काम क्यों करते हो? मैंने कहा मैं इसलिए करता हूं कि ये बिना रहा नहीं जाता। जैसे कुछ प्रमादी होते हैं ना, एकदम कुंभकर्ण के अवतार, अनुलोम विलोम करो, सब करो, लय के साथ करो, आंखें बंद करके करो, आंखें बंद करके रिदम के साथ करो, रिदम के साथ करो, लयबद्धता के साथ। जैसे कुछ प्रमादी होते हैं ना, बोले स्वामी जी कुछ किया ही नहीं जाता। मैंने कहा क्या मन करता है? बोले मन करता है पढ़ा रहे। मन कहता है सोया रहे। और मैं क्या कहता हूं? सोया सोया क्या करे और सोया वे नींद, जम सिराने न्यू खड़ा जन तोड़न आव्या नींद। मैं तुम्हारी नींद उड़ाता रहता हूं, और नींद उड़ाता हुआ एक भजन सुनाता हूं मारवाड़ी, अनुलोम विलोम करना बिना संगीत के। सबको जगाता हूं, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्यबोधता क्षरस्य धारा निशिता दुरत्त या दुर्गम प्रशस्त तत्कवयो वदन्ति। मैं जागरण के गीत गाता हूं, जो जागरण के गीत उपनिषदों में गाए, वेदों में। यो जागारतम ऋचः कामयन्ते, यो जागारतम सामानयन्ति, यो जागारतमयम् सोम आहतवाहमस्मि सखे नोका। अनुलोम विलोम करते रहना, बीच में कोई सोया उसकी खैर नहीं। देखो कुछ लोग ना करते नहीं, करने से विद इन 10 to 5 minutes, 5 minutes से लेकर के 10 minutes में, 15 minutes में तुम्हारा बीपी नॉर्मल, शुगर नॉर्मल, स्ट्रेस नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल, प्रोलैक्टिन, कॉर्टिसोल, एसिटी, स्ट्रेस हार्मोन्स खत्म,
बिलो नॉर्मल लेवल पर आ जाते हैं। मैंने पूरा साइंटिफिक रिसर्च करके एक्सपीरियंस किया हुआ है। और इंडोर्फिन, इनकेफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, और अभी जो मैंने बताया था मेलाटोनिन, जो अच्छे हार्मोन्स हैं, खुशी देने वाले, प्रसन्नता देने वाले। सेरोटोनिन का मतलब नींद देने वाला नहीं है, ये प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच, नींद उड़ाने वाले, दुख देने वाले, रोग देने वाले, दर्द देने वाले हैं। तो ये प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच, एड्रेनालिन तो कम होंगे, और इंडोर्फिन, इनकेफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन और मेलाटोनिन, ये विश्रांति देने वाले, सुख देने वाले, शांति देने वाले, तृप्ति देने वाले, आरोग्य देने वाले, शक्ति देने वाले हार्मोन्स है। करो अनुलोम विलोम। सोना नहीं, यो जागर तम ऋचक कामयंत, यो जागर तम सामानयंत, यो जागर तमयम सोमाह तवाहमस्मि सख्ये लोक। गुरु नानक देव जी भी कह रहे हैं, जागो रे जिन जागना अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका जब सोवे पाव पसार। गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारत की, कहे नानक हरि भज मना यही विधि जग को मीत। जो प्राणी ममता तजे लोभ मो अहंकार, कहे नानक आपन तरे और न लेत उभार। जो जागे वे औरों को जगाते, वो संसार को उभार लेते, तार देते हैं सबको। हाँ, अनुलोम विलोम करो, कपाल भाति करो, और करते करते तुम्हें एक्सपीरियंस होगा, वेट आदि कम होना। कितनी बार करना था? 100 बार। कितनी बार? 100 बार। तो जो पतले पतले हैं उनका तो 100 बार हो जाता है, तो पता भी नहीं लगता कि कब हो गया। और जो ठाड़े ठाड़े हैं तो एक बार भी यूं घूमने में ऐसा लगे जैसे धरती ठा रहे हो। तो थोड़ा ऐसे करो, ऐसे, जिनको नहीं है कोई प्रॉब्लम तो भी कर लिया करो। 100 बार ऐसे 100 बार ऐसे। हाँ, पूरा पूरा संतुलन है ना। कुछ बनी बात? सौ सौ बार करने के लिए बोला हुआ है मोटापा के लिए। कमर के लिए मैंने क्या बोला हुआ है? 5-5 मिनट, जिनको कमर की प्रॉब्लम है 5-5 मिनट उष्ट्रासन। कितनी देर? 5 मिनट। जिनको एंकोलोजी स्पलाइटिस है, इसी में लंबे लंबे श्वास ले। जो उपचार बताते हैं वो उपचार करें। एक ही मिनट में बोला जो है स्वामी जी, 5 मिनट पहले दिन 1 मिनट करो, 4-5 दिन में 5 मिनट हो जाएगा, ऐसे करो। फॉरवर्ड बेंडिंग तो दिन भर हुआ रहता है, 1 मिनट सबके लिए, 5 मिनट एंकोलॉजी स्पलाइटिस वालों के लिए, 1 मिनट सबके लिए ऐसे। इसी में भस्त्रिका करो, इसी में कपाल भाती करो, एक साथ। मैं 2-3 कार्यक्रम करवाता हूं, नीचे से बैठ के आ जा साहब, ऐसे उठो, ऐसे बैठ करके ऐसे उठो। ऐसे बैठ करके ऐसे उठ जाते हैं, स्पाइन का बैलेंस बन जाता है। अभी चलो, ये तो एंकोलॉजिंग स्पलाइटिस वालों के लिए तो बताया मैंने, अब उल्टे लेट जाओ। जिनको एंकोलॉजिंग स्पलाइटिस है, एक एक आसन कितनी बार करना? 5 मिनट। 12 आसन है, उसी में भस्त्रिका प्राणायाम, कपाल भाति प्राणायाम हो जाएगा, अनुलोम विलोम, भ्राम गीत फिर कर लो, 1.25 घंटे का कार्यक्रम। जिनको ज्यादा है उनको 2 घंटे कर लेने, क्या दिक्कत है? वेट, उसकी तो, वेट वालों को कितनी बार करना है?
500 बार ये जोर से आवाज आई, शायद मुझे लगता है शुरू कर दिया है तुमने। कितना वेट कम किया? 6 किलो। कितने दिन में? 9वें दिन में। 9 दिन में, 10वां भी दिन होगा तो 9 ही दिन हुए तो है। 9 दिन में 6 किलो वेट कम कर लिया, इसका मतलब लगे रहते। और क्या प्रॉब्लम है? हाँ, अरे पुष्पेंद्र इसको देना माइक, इसने तो जोरदार काम कर दिया, इसकी तो मशीन ही मैंने डोनेट करवा लिया। ये बड़ा डरा सहमा सा आया था घर से, सारा प्रबंध करके आए कि योग ग्राम तो जंगल में है, कहीं वहीं ब्रह्मलोक में ना चला जाऊं। ये जो है लगा रहता है लड़का जितना इससे बन पाए, लेकिन इसकी बुरी हालत हो गई थी। कितना कम कर लिया? मैं 6 किलो के आसपास कम कर, 6 किलो कम कर लिया, इसका भयंकर बढ़ गया था। वजन कितना है बेटा अभी? अभी है करीब 112 किलो, 112 से कम हो गया। इसको कोरोना के बाद इतने साइड इफेक्ट्स हुए हैं, इतने कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं, सारी दवाइयां इसने बंद कर दी हैं, लेकिन इसने उसके ऊपर विजय पा ली और घर लौट के आ गया, यही बड़ी बात है। और अब इसका कितना परसेंट लंग डैमेज हो गया था? 75% 75% लंग डैमेज था। और पुष्पेंद्र वापस आना है तुझे 2 महीने बाद, बिल्कुल इसका 100% लंग ठीक करने वाला हूं मैं, 100% 99 नहीं। लंग डैमेज हो जाए, हार्ट डैमेज हो जाए, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाए, लिवर डैमेज हो जाए, लिवर सिरोसिस, फैटी लिवर और तमाम तरह की चीजें कारण से, हेपेटाइटिस से डैमेज हो ठीक करते हैं ना, एक बात नहीं, ये तो पूरा रिपेयर कर देते हैं। और क्या क्या सिम्टोमेटिक, क्या क्या फायदे वहीं आने के बाद? मेरी ऑक्सीजन इंप्रूव हो गई है, पहले 88-90 थी, अब 95-96 मेंटेन कर रहा हूँ। 95-96 मेंटेन होगी, और क्या चाहिए? ये आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बनाने वाली क्या मशीन थी वो कंसंट्रेटर, कंसंट्रेटर वो आर्टिफिशियल मशीन लेकर के आया था बनाने वाली, अब यहाँ योग ग्राम में तो ऑक्सीजन ओवरफ्लो हो रखी है बिल्कुल। अब योग करते हुए सांस नहीं चढ़ता, योग करते अब सांस नहीं चढ़ता, और दौड़ने अभी तो चलने भी लग गए ना तेजी से, चलने लग गया हूं अब। हाँ, पहले ये वो लेकर के आया था वोकर, फिर छड़ी लेके आया, तो इसकी छड़ी और वोकर भी डोनेट करवा लिया मैंने, वहीं रखा है जमा करवा दिया कार्यालय में यहाँ। पुष्पेंद्र का जीवन पुष्प खिल गया अभी। हाँ, और औषधि क्या क्या ले रहे हो? मैं सुसारी गोल्ड, हाँ, और आपने एक डायमंड की लिखी है दवाई, डायमंड है उसमें भस्म, और सिस्टोग्रिट डायमंड, क्योंकि इसको अंदर गांठे भी हो रखी है ना सब, और सुसारी क्वाथ, मुलेटी क्वाथ, सिस्टोग्रिट डायमंड, सुसारी गोल्ड, और बाकी लीवर के लिए लिखी है आपने लिनोग्रिट, लिवामृत। तो ये लिवोग्रिट और लिवामृत भी इसलिए लिखी, इसका लीवर भी डैमेज, इसका लंग भी डैमेज, इसके बहुत बहुत कुछ, पूरी बॉडी डैमेज हो चुकी थी। हाँ, अब इसको पूरा नया करके भेजेंगे, कायाकल्प। क्या करके भेज रहे हैं? कायाकल्प पूरा। हाँ, पुष्पेंद्र आपका आशीर्वाद। तेरा चेहरा भी थोड़ा सा सिकुड़ सा गया, आज थोड़ा फर्क है। हाँ, आज तो मोटा सा मुंह सब थुल थुल, मैं तो मुंह में ऐसे भर के भी नहीं कर सकता, ऐसे इसका मुंह फूला हुआ सूजा हुआ पूरा, कई रसगुल्ले थे मुंह में कुछ निकल गए। इसकी पत्नी इसको देखे तो उसको भी बोले स्वामी जी मेरे पति को सुथरा कर दो मेरे तेरे पति सुथरा कर देते ऐसे। चलो आशीर्वाद पुष्पेंद्र। कितनी बार बताया मैंने ये? 100 बार तक कर सना ऐसे, ऐसे ऐसे ओबीसीटी के लिए 100 बार, कमर के लिए धीरे धीरे 10-20 बार आराम से, दर्द वालों को ऐसा तेजी से नहीं करना, उनको होले होले भुजंगासन, एक एक पैर को पीछे से उठाना सलभासन ऐसे। हाँ, फिर दोनों को उठाना, फिर जिनको कमर में दर्द है वो तो थोड़ा सा पूरी स्ट्रेचिंग, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस भी ठीक, और देखो सीधे लेट जाओ, सीधे लेट करके 100 बार करना है किनको, सौ
100 बार करना है ओबीसीटी वालों को, पहली बार 10-20 बार से शुरुआत करो सीधे लेट के, और कमर वालों को मरकटासन, कमर वालों को मरकटासन के 2 अभ्यास, और कमर दर्द वालों को अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, सेतु बंधासन, कट्युत्तानासन, कमर दर्द वालों को कमर के अभ्यास करने हैं, और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन उनको करना है जिनको पेट की और पेनक्रियास, पेनक्रियाटाइटिस की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, लीवर किडनी की, इन आंतों की, फेफड़ों की कोई भी प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस की, तो वो पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन लोकासन करना। शेष 3 तरह के अभ्यास मैंने बताए, 3 तरह का प्रोटोकॉल, अर्धहलासन, ओबीसीटी वाले 100 बार लंबे लंबे श्वास, फास्ट करते हैं तो 1.5 से 2 मिनट में 100 बार हो जाता है, फिर धीरे धीरे बढ़ा लो, एक एक से कर लो, दो दो से कर लो, धीरे धीरे बढ़ा करके 100, 200, 300, 500 बार तक करवाता हूं। मैंने बोला है आज प्रारंभ में कई वाक्य थे मेरा, पुरुषार्थ की, जोर से बोलो, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, और पूरा वाक्य क्या बोला था, ज्ञान एवं भक्ति युक्त, ज्ञान एवं श्रद्धा युक्त पुरुषार्थ की पराकाष्ठा का सातत्य, यही सब प्रकार के स्वास्थ्य, सुख, सफलता और समृद्धि का, जीवन का मूल मंत्र है। तो ये बड़े सत्य हैं जो आपको यहां पर योग कराते हुए मैं कहता हूं, योग ही नहीं करवाते हम खाली, आपको जीवन का, जीवन में तो अनंत संभावनाएं हैं, अनंत सामर्थ्य है, उसी को जगाने का काम योग करता है। योगो इज नॉट मेरली फिजिकल एक्सरसाइज और ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड नॉट ओनली मेडिटेशन, योग पूरा लाइफ साइंस है। ये मेडिकल साइंस की बात करो तो ये अल्टीमेट मेडिसिन है, अल्टीमेट मेडिकल साइंस भी है, सब कुछ योग में सन्निहित है। बड़ा शून्य बनाओ तो द्विचक्रिकासन तक 100, 200, 200 बार, एक राउंड किया, फिर दूसरा राउंड किया, फिर तीसरा राउंड किया, ऐसे लगे रहो, पूरे लगे रहो, जमे रहो, जैसा चाहो वैसे बॉडी की शेप दे सकते हो। किसी को बाइसेप, ट्राइसेप, सिक्स पैक जो बनाने, सब मिलेगा, सब कुछ मिलता है। योग, योग है कल्प वृक्ष, योग क्या है बोलो, कल्प वृक्ष, जो चाहोगे सो पाओगे, बस 1 घंटा सुबह सुबह लगा दो, तुम घर के लिए, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, परिवार के लिए 10-10, 12-12, 18-18 घंटा समय लगाते हो तो 1 घंटा अपने लिए भी तो लगा लो। ऐसा स्वभाव बना लो जो 1 घंटा योग के लिए समय लगाएंगे वो अपने घर, परिवार, बिजनेस, व्यापार के सब जिम्मेदारियों को ठीक से निभा पाएंगे मेरी तरह से। तुम्हारा तो छोटा परिवार है, मेरा तो बहुत बड़ा परिवार है, मैं बड़ा गृहस्थी हूं, तुम छोटे गृहस्थी हो, 2-4 बच्चों को पालते हो, मैं लाखों बच्चों को पालता हूं, लाखों लोगों को हमने नौकरियां दी है, रोजगार दिया, स्वास्थ्य दिया, समृद्धि दी है, करोड़ों लोगों को आरोग्य दिया है, उनके जीवन में खुशियां दी है, तुम 2-4 लोगों की खुशियों में अपने आप को बड़ा तृप्त अनुभव करते हो कि मैंने अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को खुशियां दे दी तो मेरा जीवन सफल हो गया। हमने करोड़ों लोगों को खुशियां दी है इसलिए हम खुश रहते हैं। कुछ लोग कहते बाबा तुझे क्या मिल गया, तू सुबह से इतना मस्त रहता है। मुझे, मैंने कहा ये मिल गया कि लोग 2-4, 10-20 लोगों को खुशियां दे के प्रसन्न होते हैं, मैंने करोड़ों लोगों के आंखों के आंसू पूछे, उनके रोग मिटाए, उनके दुख दर्द मिटाए, उनकी तकलीफें मिटाई है, उनको आरोग्य ही नहीं दिया, उनके जीवन में बहुत कुछ दिया है। कोई एक, ये कोई शाब्दिक बात नहीं है और ये कोई कहने की बात नहीं है, कोई एहसान नहीं जता रहा हूं, ये मैंने, मुझे जो ठीक लगा मैंने दिया, मैंने किया, और हमेशा ये कहा कि ये आपके फायदे की बात है, और आपने उसको अनुभव किया कि जो मैंने कहा, अरे ये मेरे मोटापा के लिए फायदे की बात है, ये तो मेरे कमर के फायदे की बात है, ये तो मेरे डायबिटीज के फायदे की, बीपी शुगर के, खाली बीमारी की बात नहीं, ये तो मेरे जीवन के फायदे की बात है। योग से तो मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है,
योग से मैं इनोवेटिव होता हूँ, ज्यादा क्रिएटिव होता हूँ, मेरी रचनाधर्मिता, सकारात्मकता, गुणात्मकता, उत्पादकता, दिव्यता बढ़ती है। योग से तो मेरा जीवन ही पूरा उत्सव हो गया है, जीवन का अनंत सामर्थ्य मेरा जाग उठा है। यह है योग की महिमा। ऐसे करते रहो करते रहो। जिसको जो बताया है, अपना अपना अभ्यास। जिनको डायबिटीज है कितनी देर करना है, अब डायबिटीज के टाइप वन पेशेंट ठीक कर दिए हमने, बड़ी बात है। टाइप वन पेशेंट जिनका पेन क्या जी काम नहीं करता, मैं कहता था बार बार आपको, कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, ये करके दिखा दिया। 5 मिनट करना है पवन मुक्तासन डायबिटीज वालों को कपाल भाती के साथ। और जिनको वेट कम करना है वे भी भस्त्रिका कपाल भाती के साथ करते रहे लगातार, पूरा एकात्म होकर के योग के साथ। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, अपना अभ्यास छोड़ना नहीं है। पवन मुक्तासन करो, चाहे उत्तान पादासन करो या नौकासन करो, इंसुलिन तक बंद हो रही है, बड़ी बात है। इंसुलिन बंद होना ये साधारण घटना ये नहीं है, करो सब।